फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल होम्यो स्टडी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू वीडियो विथ अ न्यू कंटेंट ऑफ रेमेडी। तो आज हम पढ़ेंगे एपिस मेलिफिका, जो कि बिलोंग करती है इंसेक्ट किंगडम से। यहाँ एपिस की जो पिक्चर दिखाई गई है, बेसिकली इंसेक्ट की जो क्वालिटीज़ होती है उनमें हार्ड वर्किंग है, एक्सेसिव इरिटेबिलिटी होती है और कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, जो डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर से पता चलता है। आगे यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो एपिस मेलिफिका का जो कॉमन नेम है वो है ओपियम वायरस एनिमल, यानी कि इंसेक्ट किंगडम। जो एपिस का पेशेंट होता है उसका कंस्टिट्यूशन है वो स्ट्रेमस कंस्टिट्यूशन होता है। स्ट्रेमस यानी कि स्क्रोफ्यूलस, जो किसी भी रेमेडी का जो पेशेंट का स्क्रोफ्यूलस कंस्टिट्यूशन है उसका अर्थ ये होता है कि उनको जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है वो ग्लैंडुलर अफेक्शन होता है और स्किन का तो प्रॉब्लम बहुत होता है। और बेसिकली एपिस इज बिलोंग टू सोरिक मायजम यानी इरिटेबल टेम्परामेंट। यहाँ पर स्क्रोफ्यूलस कंस्टिट्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझाया है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाई अ टेंडेंसी टू अल्सरेटिव सॉर्स, पर्टिकुलरली इन ग्लैंड्स, अनहेल्दी सिक्रेशन फ्रॉम द स्किन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ द इरप्शन। जो स्किन का जो इरप्शन है और स्किन की चिंग इरिटेबिलिटी ड्यू टू स्किन इरप्शन, ये एपिस में बहुत ही ज़्यादा देखने मिलता है। यहाँ पर जो एनिमल की जो क्वालिटीज़ है वो दिखाई दिए बताई दी है। जो जेलसी है, सस्पिशियस है, वेरी इरिटेबल है, ऑकवर्ड है, सडन एंड वायलेंट अटैक्स, लिव्स इन ओन वर्ल्ड्स, मीन्स पेशेंट को सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरों के काम काज से वो कुछ दूसरों के काम में उसको टांगे डरा नहीं अच्छा लगता और अपने में कोई भी घुसपैठ करे वो उसको भी पसंद नहीं है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम एपिस की जो एक्शन है वो कैसी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के जरिए हम समझ सकते हैं कि एपिस की जो एक्शन है वो स्किन पर कैसे होती है। सबसे पहले इरिटेशन है, इरिटेशन होने के बाद वो सेलुलर टिश्यू का इफेक्ट होगा, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस और एक्यूट इडिमा को प्रोड्यूस करेगा और एक्यूट इडिमा से फिर से इरिटेशन, ऐसे वो जो उसका रोटेशन है वो चलेगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एपिस का माइंड कैसे याद रखे। तो इसको याद रखने के लिए हम दो शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहली है एडूट AIDUD के जरिए, ऐसे ऑकवर्ड, आई से इंडिफरेंस, डिस्करेज, यू से अनकॉन्शियस। अगर अनकॉन्शियस कब, जब को पेशेंट को फीवर होगा, डेलीरियम होगा, तभी पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। और डी से, दूसरे डी से डिस्पोंडेंट होगा, ड्रॉप थिंग्स वाइल हैंडलिंग, पेशेंट बहुत वीक होता है इसलिए उसके हाथ से जो मेरी जो कोई चीज़ है वो ड्रॉप हो जाती है। दूसरी भी एक ट्रिक है जिसके हम पूरा माइंड याद रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो याद रख सकते हैं। दूसरी है दिवस, DIWAS। डी से क्या है, ड्राइनेस सेंसेशन, थ्रॉट में कॉन्स्टेंट पेशेंट को ड्राइनेस फीलिंग होती है। डेलीरियम वो पता है, वो फीवर में ही होता है। ड्रॉप थिंग वाइल हैंडलिंग थेम। एंड आई से इंडिफरेंस, इंडिफरेंस पेशेंट को जो भी चीज़ उसे हैप्पीनेस देती है उससे इंडिफरेंस होता है। पेशेंट इज अपैथेटिक एंड पेशेंट को वो हार्डली किसी चीज़ से ही हैप्पीनेस मिलती है, बाकी पेशेंट बहुत ही सैड रहता है। W से वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, जो वीपिंग डिस्पोजिशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और ऑकवर्डनेस +2 मार्क में देखने को मिलती है। जो जनरली जो एनिमल किंगडम की मेडिसिन है उसमें ऑकवर्डनेस, सस्पिशियसनेस वो देखने को मिलती है। ऐसे क्या, सडन श्रील, पेशेंट सडन श्रील हो जाता है नाइट में, स्पेशली होता है। सप्रेशन ऑफ स्कारलेट इरप्शन कॉजेस डेलीरियम, ये बहुत मार्क सिम्टम है जो काफ़ी सारे पेशेंट में देखने को मिलता है। और आगे हम एपिस के जो कीनोट है वो याद कैसे रखेंगे, तो एपिस के जो स्पेलिंग है उसके माध्यम से हम पूरा कीनोट याद रखेंगे। ऐसे क्या है, एवर्जन टू टाइट बैंडेज, पेशेंट को किसी भी टाइट बैंडेज से एवर्जन होता है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, लाइक लेकेसिस। लेकेसिस में स्पेशली जो उसका नेक रीजन है वहीं पर मिलता है, मगर जो एपिस है उसको एब्डोमेन में, एब्डोमेन चेस्ट वहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन का फीलिंग बहुत कम डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। और दूसरा है ऑकवर्डनेस, पेशेंट बहुत ही ऑकवर्ड होता है। और पीछे क्या है, तो पीछे पेन रेमेडी, मोस्टली एपिस इज बिलोंग टू एनिमल किंगडम एंड जो मोस्ट इफेक्टिव साइड है वो राइट साइडेड, एपिस राइट साइडेड मेडिसिन है। और पेन रेमेडी यानी कि होम्योपैथी पेन किलर है, राइट ओर है, राइट यानी एपिस का इफेक्ट होता है मोस्टली जब राइट ओरियंट सिस्ट का पेन होता है तो
वह जो एपिस है बहुत ही अच्छा पेन किलर की तरह वर्क करता है। पेन कैसा होता है? पेन है वो बर्निंग टाइप एंड सडन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द, तो पेन है वो स्टिंगिंग बर्निंग टाइप का होता है। जैसे ही हमें हनी बीस का स्टिंग होता है उसका पेन सेम टू सेम पेशेंट में देखने को मिलता है। पेशेंट इज जनरली थर्स्टलेसनेस, यहाँ पर पेशेंट को बहुत ही कम थर्स्ट देखने को मिलती है एक्सेप्ट द चिल स्टेज। यहाँ पर फीवर फीवर में जो चिल स्टेज आता है वहाँ ही थर्स्ट देखने को मिलती है, बाकी नहीं देखने को मिलती। और आगे आई से क्या था? इंडिफरेंसनेस, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एस से क्या याद रख सकते हैं? सेंसिटिव टू टच, पेशेंट का जो अफेक्टेड पार्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए हम उसे जब टच करते हैं तो पेशेंट को एवर्जन होता है और वो उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, इसलिए वो अफेक्टेड पार्ट में बहुत सेंसिटिव होता है। रेडनेस होती है अफेक्टेड पार्ट में, बर्निंग पेन, स्टिचिंग स्टिंगिंग टाइप का होता है, स्किन अल्टरनेट ड्राई एंड होती है, स्काल्ड वाइल पासिंग यूरिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि जब पेशेंट यूरिन पास करता है तब उनको बर्निंग पेन होता है। अगर कैसा स्काल्ड स्काल्ड बर्निंग, जैसे कि कोई गर्म हॉट लिक्विड की लिक्विड से जो एयर होती है वही टाइप का पेन होता है। सपोकेटिव फीलिंग एंड फीवर, फीवर में जो सपोकेटिव फीलिंग मिलती है, स्वेलिंग अंडर द आईलिड्स, बेसिकली पफी स्वेलिंग होती है और बैग लाइक स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हम ट्राई ऑफ आई स्वेलिंग में तीन रेमेडी है वो बताई गई है। जो फॉस्परस है वो वॉल आई स्वेलिंग के लिए होती है, एपिस है वो लोअर आईलिड्स के स्वेलिंग के लिए, और जो कालिकाब है वो अपर आईलिड के स्वेलिंग के लिए होती है। जो कंप्लेंट होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल होती है, इनमें तीन रेमेडी दिए हैं, उसमें से एपिस की जो कंप्लेंट है वो राइट से लेफ्ट ट्रैवल करती है, यानी कि एक बार पहले राइट में राइट साइडेड कंप्लेंट थी और पास में वो कंप्लेंट माइग्रेट होकर लेफ्ट साइडेड चली गई। उस तरह रक्स में एपिस से बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है वो लेफ्ट से राइट, एंड लेकेसिस में पेशेंट की कंप्लेंट जो एबव से डाउनवर्ड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पेशेंट जो एपिस का पेशेंट होता है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, तो पेशेंट एपिस का जो पेशेंट है वो यहाँ पर समवट कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जो बैलेंस होता है पर्सन में, फाइटर हो भी सकता है, स्पिरिचुअल होता है, एंटरटेनमेंट होता है, एक लीडर होता है, पर्पजफुलनेस होता है, द रियलिटी होता है, रियलिस्ट होता है, और लोगों का हेल्पर होता है एंड ऑप्टिमिस्ट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।